आज की न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं। किनवट से आदिलाबाद जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की बोगी में रखी अवैध सागवान की कट साइज लकड़ी की तस्करी की खबर मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी ने किनवट रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम को अवैध सागवान की करीब 10,000 की लकड़ियां जब्त की। वन परिक्षेत्र अधिकारी के एन कंधारे ने दी जानकारी के अनुसार नांदेड़ आदिलाबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस द्वारा किनवट रेलवे स्टेशन में अवैध सागवान की कटी लकड़ी की तस्करी की खबर मिली। वन विभाग के एक दल ने 11 नवंबर को शाम 7 बजे के समीप किनवट रेलवे स्टेशन पहुंचकर बड़ी चतुराई से जाल बिछाकर रेल की बोगी से 10,000 रुपए की सागवान की लकड़ियां बरामद कर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। वन विभाग के इस दल में वनपाल केजी गायकवाड़ सांगले, वन रक्षक, वन मजदूर, वन वाहक चालक उपस्थित थे। देखो कैसा है।